नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 115 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। इन दोनों में से आपकी जो भी स्पीड हो उस स्पीड में आप डिक्टेशन को ले सकते हैं। अगर आज हम जनसत्ता के संपादकीय से डिक्टेशन को ले रहे हैं तो दूसरे दिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसको दैनिक जागरण से लें। डिक्टेशन के लिए कम से कम हम लोग दो न्यूज़पेपर का प्रयोग करेंगे। प्रतिदिन आपको 800 से लेकर के 1100 शब्दों का डिक्टेशन इस चैनल से मिलेगा। डिक्टेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले साल दुनिया में 2,30,00,000 बच्चों को DTP का टीका नहीं लग पाना चिंता की बात है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस से बचाने के लिए ये टीके जीवन रक्षक हैं। DTP टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोलियो, चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। दुनिया में आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर से बच्चे, पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे को जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाएंगे तो बच्चे कैसे स्वस्थ, कैसे जिएंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि DTP टीके से वंचित बच्चों को भविष्य में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पिछले साल 1,70,00,000 बच्चों को तो किसी भी टीके की एक खुराक भी नहीं लग पाई, जबकि 2,25,00,000 से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी तरह के जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। अब खतरा यह है कि कहीं ये बच्चे पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों की चपेट में ना आ जाएं। पैरा। गौरतलब है कि 1.5 साल में महामारी ने दुनिया को हिला दिया है। अभी भी इससे मुक्ति के आसार नहीं हैं। ऐसे में सभी देशों का जोर फिलहाल महामारी पर ही है। कई महीनों तक तो अस्पतालों में दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए दूसरे जरूरी टीकों का अभियान बुरी तरह से प्रभावित होना ही था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले विश्व में DPT, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि मानक 95% का है। जाहिर है टीकाकरण का यह अभियान पहले भी कोई तेज नहीं था, फिर कोरोना में तो एकदम थम गया। हैरानी की बात है कि दुनिया में 2019 में
35 लाख बच्चों को डीटीपी टीके की पहली खुराक भी नहीं लगी थी। 30 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से वंचित रह गए थे। जिन देशों में बच्चों की ऐसी स्थिति भुगतनी पड़ी उनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और मैक्सिको भी हैं। पैरा, दरअसल किसी भी देश में टीकाकरण जैसे अभियान तभी सफल हो पाते हैं जब उसके पास पहले ही से स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा हो। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं यह महामारी के दौरान उजागर हो चुका है। देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बच्चों के जरूरी टीकाकरण की उपेक्षा होनी ही थी। यह अपने में कम गंभीर बात नहीं है कि डीटीपी की पहली खुराक के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले साल भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस टीके की पहली खुराक नहीं मिली। 2019 में भी 14 लाख बच्चे इस टीके से वंचित रह गए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि 2019 में जब कोरोना नहीं था तब 14 लाख बच्चों को डीटीपी का टीका क्यों नहीं लग पाया। दरअसल यह महामारी बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है। टीकाकरण अभियान सुसंगत और पेशेवर तरीके से बनाई गई योजना से ही सफल हो पाते हैं और इस वक्त भी कोरोना के टीकाकरण में भारत किस हालत में है इसकी खबरें आए दिन हम पढ़ ही रहे हैं। सारा दोष मौजूदा महामारी पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर चौतरफा नज़र की जरूरत है। पैरा, इस महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली तो करोड़ों लोगों के सामने जिंदा रहने की चुनौतियां भी बिखेर दी हैं। लाखों परिवारों ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो हजारों बच्चे अनाथ हो गए। उनके सामने दो वक्त की रोटी का आसरा भी नजर नहीं आता। इस महामारी के मारों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गुजारा बाजारों, सड़कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों के किनारे लगी रहने वाली भीड़ की वजह से चल जाया करता था। मगर कोरोना के चलते भीड़ भाड़ पर रोक लगी और सैर गाहों में सन्नाटा पसर गया तो उन जगहों पर अपना हुनर दिखा कर कुछ कमा लेने वालों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। इसका ताजा उदाहरण तिरुवंतपुरम का एक दिव्यांग गायक है जो बस अड्डे से लेकर समुद्र तट
तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुराने गीत गाता और सैलानियों से मिली बख्शीश से अपना गुजारा चलाता था। कोरोना के चलते सैलानियों का आना बंद हो गया तो उसकी कमाई का जरिया भी बंद हो गया। अब उस गायक की स्थिति यह है कि वह भीख मांगने पर मजबूर है। अपने चार पहिया स्कूटर पर उसने लिख रखा है कि उसका लीवर और किडनी बिकाऊ है। उसके भीतर के गायक ने दम तोड़ दिया है। वह कई दिनों से भूखा है, कृपया उसे दान दें। पैरा, ऐसे ना जाने कितने गा बजा कर हाथ की सफाई, तमाशे, करतब वगैरह दिखा कर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने वाले लोग इस दौरान बेहाल हो गए हैं। जिन दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वालों के काम छिन गए और उनमें से लाखों अपने पैतृक घरों को लौट गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो रोजी के दूसरे साधन तलाशने शुरू कर दिए। बहुतों ने मनरेगा जैसी योजनाओं में काम तलाश भी लिया, मगर अपना हुनर दिखा कर पेट भरने वालों के सामने तो कोई विकल्प भी नहीं बचा। ऐसे लोगों को अपनी कला, अपने हुनर पर भरोसा और अपनी कला को जीने की जिद होती है। फिर उनमें जो दिव्यांग हैं उनके सामने तो और मुश्किलें पेश आती हैं। वे कोई मेहनत मशक्कत का काम कर भी नहीं सकते। उनके लिए तो कमाई का जरिया उनका हुनर ही होता है। यह केवल हमारे देश में नहीं दुनिया भर में है। बाजारों, मेलों, पर्यटन स्थलों पर वे अपना हुनर दिखाते, लोगों का मनोरंजन करते और इनसे मिले इनाम इकराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पैरा, कोरोना के चलते लोगों के रोजगार छिन जाने पर उचित ही चिंता जताई गई और सरकारी स्तर पर उन्हें मदद पहुंचाने की योजनाएं बनी तो उनमें मजदूर और छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले लोगों के लिए कुछ समय तक राशन वगैरह उपलब्ध कराने पर विचार किया गया, मगर जो अपनी कला, अपने हुनर के बल पर स्वाभिमान के साथ जीवन गुजार रहे थे उनके लिए शायद ही मदद की अलग से कोई योजना बनी। तिरुवनंतपुरम के बदहाल गायक के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित होने के बाद वहां के परिवहन मंत्री और विधायक उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। अगर उसने अपने स्कूटर पर अपनी स्थिति बयान न की होती तो शायद उसे यह मदद भी न मिल पाती, मगर उसकी तरह भूखमरी झेल रहे लाखों गायकों, कर्तव्य दिखाने, लोगों का मनोरंजन करने वालों और वजीद अपनी कला
के साथ जुड़े लोगों को मदद कैसे पहुँचे इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पिछले साल दुनिया में 2,30,00,000 बच्चों को DTP का टीका नहीं लग पाना चिंता की बात है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस से बचाने के लिए ये टीके जीवन रक्षक हैं। DTP टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोलियो, चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। दुनिया में आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर से बच्चे, पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे को जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाएंगे तो बच्चे कैसे स्वस्थ, कैसे जिएंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि DTP टीके से वंचित बच्चों को भविष्य में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पिछले साल 1,70,00,000 बच्चों को तो किसी भी टीके की एक खुराक भी नहीं लग पाई, जबकि 2,25,00,000 से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी तरह के जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। अब खतरा यह है कि कहीं ये बच्चे पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों की चपेट में ना आ जाएं। पैरा। गौरतलब है कि 1.5 साल में महामारी ने दुनिया को हिला दिया है। अभी भी इससे मुक्ति के आसार नहीं हैं। ऐसे में सभी देशों का जोर फिलहाल महामारी पर ही है। कई महीनों तक तो अस्पतालों में दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए दूसरे जरूरी टीकों का अभियान बुरी तरह से प्रभावित होना ही था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले विश्व में DPT, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि मानक 95% का है। जाहिर है टीकाकरण का यह अभियान पहले भी कोई तेज नहीं था, फिर कोरोना में तो एकदम थम गया। हैरानी की बात है कि दुनिया में 2019 में 3,500,000 बच्चों को DTP टीके की पहली खुराक भी नहीं लगी थी। 30,00,000 बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से वंचित रह गए थे। जिन देशों में बच्चों की ऐसी स्थिति भुगतनी पड़ी उनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और मैक्सिको भी हैं। पैरा। दरअसल किसी भी देश में टीकाकरण जैसे अभियान तभी सफल हो पाते हैं जब उसके पास पहले ही से स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा हो। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं यह महामारी के दौरान उजागर हो चुका है। देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बच्चों के जरूरी
टीकाकरण की उपेक्षा होनी ही थी। यह अपने में कम गंभीर बात नहीं है कि डीटीपी की पहली खुराक के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले साल भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस टीके की पहली खुराक नहीं मिली। 2019 में भी 14 लाख बच्चे इस टीके से वंचित रह गए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि 2019 में जब कोरोना नहीं था तब 14 लाख बच्चों को डीटीपी का टीका क्यों नहीं लग पाया। दरअसल यह महामारी बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है। टीकाकरण अभियान सुसंगत और पेशेवर तरीके से बनाई गई योजना से ही सफल हो पाते हैं और इस वक्त भी कोरोना के टीकाकरण में भारत किस हालत में है इसकी खबरें आए दिन हम पढ़ ही रहे हैं। सारा दोष मौजूदा महामारी पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर चौतरफा नज़र की जरूरत है। पैरा, इस महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली तो करोड़ों लोगों के सामने जिंदा रहने की चुनौतियां भी बिखेर दी हैं। लाखों परिवारों ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो हजारों बच्चे अनाथ हो गए। उनके सामने दो वक्त की रोटी का आसरा भी नजर नहीं आता। इस महामारी के मारों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गुजारा बाजारों, सड़कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों के किनारे लगी रहने वाली भीड़ की वजह से चल जाया करता था। मगर कोरोना के चलते भीड़भाड़ पर रोक लगी और सैर गाहों में सन्नाटा पसर गया तो उन जगहों पर अपना हुनर दिखा कर कुछ कमा लेने वालों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। इसका ताज़ा उदाहरण तिरुवनंतपुरम का एक दिव्यांग गायक है जो बस अड्डे से लेकर समुद्र तट तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुराने गीत गाता और सैलानियों से मिली बख्शीश से अपना गुजारा चलाता था। कोरोना के चलते सैलानियों का आना बंद हो गया तो उसकी कमाई का जरिया भी बंद हो गया। अब उस गायक की स्थिति यह है कि वह भीख मांगने पर मजबूर है। अपने चार पहिया स्कूटर पर उसने लिख रखा है कि उसका लीवर और किडनी बिकाऊ है। उसके भीतर के गायक ने दम तोड़ दिया है। वह कई दिनों से भूखा है, कृपया उसे दान दें। पैरा, ऐसे ना जाने कितने गा बजाकर हाथ की सफाई, तमाशे, करतब वगैरह दिखा कर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने वाले लोग इस दौरान बेहाल हो गए हैं। जिन दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वालों के काम छिन गए और उनमें से लाखों अपने पैतृक घरों को लौट गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो रोजी के दूसरे साधन तलाशने शुरू कर दिए। बहुतों ने मनरेगा जैसी योजनाओं में काम तलाश भी लिया मगर अपना हुनर दिखा कर पेट भरने वालों के सामने तो कोई विकल्प भी नहीं बचा। ऐसे लोगों को अपनी कला
अपने हुनर पर भरोसा और अपनी कला को जीने की जिद होती है। फिर उनमें जो दिव्यांग हैं उनके सामने तो और मुश्किलें पेश आती हैं। वे कोई मेहनत मशक्कत का काम कर भी नहीं सकते, उनके लिए तो कमाई का जरिया उनका हुनर ही होता है। यह केवल हमारे देश में नहीं दुनिया भर में है। बाजारों, मेलों, पर्यटन स्थलों पर वे अपना हुनर दिखाते, लोगों का मनोरंजन करते और इनसे मिले इनाम इकराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पैरा, कोरोना के चलते लोगों के रोजगार छिन जाने पर उचित ही चिंता जताई गई और सरकारी स्तर पर उन्हें मदद पहुंचाने की योजनाएं बनी, तो उनमें मजदूर और छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले लोगों के लिए कुछ समय तक राशन वगैरह उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। मगर जो अपनी कला, अपने हुनर के बल पर स्वाभिमान के साथ जीवन गुजार रहे थे, उनके लिए शायद ही मदद की अलग से कोई योजना बनी। तिरुवनंतपुरम के बदहाल गायक के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित होने के बाद वहां के परिवहन मंत्री और विधायक उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। अगर उसने अपने स्कूटर पर अपनी स्थिति बयान ना की होती तो शायद उसे यह मदद भी ना मिल पाती। मगर उसकी तरह भूखमरी झेल रहे लाखों गायकों, करतब दिखाने, लोगों का मनोरंजन करने वालों और मजीद अपनी कला के साथ जुड़े लोगों को मदद कैसे पहुँचे, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहे और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।